एक साल से ऊपर हो गया, 13,500 रुपया नहीं दे रहा है। 16 तारीख के आइए हम, काम छोड़ के आते हैं। तेरह बाद 22 तारीख का आइए हैं काम छोड़ के, तेरह बाद 28 का आइए हैं काम छोड़ के। मजदूरी कर रहा आदमी 300 की, उसमें 100 रुपये का तो खाना खा जा रहा, तो क्या देगा घर में? कमरे किराया देगा आदमी, ये बच्चे पालेगा आप मुझे बताइए, या बच्चों की पढ़ाई कराएगा? तो शाम के टाइम देखो दवाई के तौर पर 1 क्वार्टर पी लिया, अपना चलेगा क्या? बस इससे ओनली कुछ नहीं। फाउंडेशन यानी कि नींव। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अगर नींव अच्छी ना हो तो ये बहुत दिक्कत का कारण बन सकता है। इसी तरह अगर किसी इमारत की नींव सही ना हो तो वो इमारत ऊंचा नहीं बन सकता। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट काम को करते हैं हमारे डेली वेज वर्कर्स, AKA मजदूर। आज अगर ये लोग ना हो तो कोई आदमी अपना एक कमरा भी नहीं बना सकता। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस तो बहुत दूर की बात है। इनका हमारे सोसाइटी में इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी आखिर इनके ही ज़िंदगी में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्या करें, कंपनी बंद हो रखी है तो जाना ही पड़ेगा। तो पैदल जाएंगे क्या? जी पैदल ही जाएंगे। भूखे प्यासे रहते हैं, खाने को मिल नहीं रहा है। पर सरकार तो कह रही है सारा व्यवस्था करवा रहे हैं, अरे कुछ नहीं मिल रहा था, तो कैसे चले? बोला ठीक है, रोज का जो काम करेगा ना उतना मिलेगा। सामने 3 दिन काम किया था, उसने मांगने के लिए गया तो 200 रुपया। हम मजदूरों को काम हमारे भेज दो सरकार, सुना पड़ा घर द्वार। भारत में 50,77,04,840 लेबर्स काम करते हैं और उत्तराखंड में 4,08,00,000 लेबर्स। इन मजदूरों को हर सुबह एक चौक में जाके खड़ा होना पड़ता है। इन चौक को बोलते हैं लेबर चौक। यहाँ हर एक आदमी काम मिलने की उम्मीद में खड़ा रहता है। इनमें से सिर्फ कुछ ही लोग काम ढूंढ पाते हैं, बाकी खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। नहीं मिलता है भाई साहब, एक दिन काम लगा तो 2-4 दिन घूमते हैं। ये है मजदूरों का, 2 दिन छुट्टी रहती है। हाँ, आज भी नहीं मिलेगा। अब घर जाएंगे अपने, कोई 4 दिन कोई 5 दिन कोई इनके खत्ता होएगा काम नहीं। देखो लेबर कितनी यहाँ इकट्ठी है, लेबर सब घर भाग गए, बहुत लेबर है, काम ही नहीं मिलता यहाँ। महीना में यहाँ कहूँ 4 दिन 5 दिन को 1-10 दिन लग गया बस, अब नहीं लगता है। काम ना मिलने के साथ आती हैं कई सारी प्रॉब्लम्स। उस दिन का खाना ना मिलना, बच्चों की पढ़ाई की फीस, घर में आपसी अनबन आदि आदि। बस घर का खर्चा ऐसा ही है भैया, किराए से रहता हूँ यहाँ, और मानने के बाद 1 दिन लग गए, हैं गरीब आदमी हूँ, 1 दिन लग गए, 2 दिन नहीं लगे, उसी में गुजारा करना पड़ता है सब। अपना जो है दाल रोटी, एक टाइम खाली दूसरे टाइम की आदमी है। अब देखो सुबह ही निकल कर आया हूँ घर से, मैं 7:30 बजे का यहाँ पे हूँ, और 7:30 बजे से अभी तक देख रहा हूँ कोई काम नहीं दिखाई दिया मुझे, 7:30 बजे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई काम मिले, 200 का मिल जाए, 300 का मिल जाए, जैसे मिले ऐसे पे चला जाऊँ। कल गया था काम पे तो 3 दिन पहले से नहीं गया मैं, यहाँ आया 12-1 बजे तक, 2 बजे तक बैठ के चला गया। अब देखो घर में जाएंगे, बच्चे हैं, बच्चे पैसा मांगेंगे तो काम नहीं होगा, कहाँ से देंगे हम? आप ही बताइए, देखो मेहनत से ही सब कुछ है, और जब मेहनत ही नहीं मिलेगी तो आदमी जाएगा। तो मैं बीमारी की वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई, 2 बेटे हैं मेरे, हैं अब मैं क्या बताऊं आपको कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा था, अब वो जो एक संस्कृत खुली है यहाँ पे ग्राउंड में, काले ग्राउंड में पढ़ाते हैं, वो वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं दोनों बेटे, क्या करें? ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सिर्फ काम ना मिलने की वजह से नहीं आते, बल्कि आते हैं कम दिहाड़ी मिलने से या काम करने के बाद भी दिहाड़ी ना मिलने से। पैसा तो जो है कोई 500 रुपया जाते हैं, कोई 400 में जाते हैं, कोई 600 में जाते हैं, वो कोई खाली पैसा नहीं देते हैं, काम करा लेते हैं, कोई भगा देते हैं, वही खाना वही कमाना, कुछ नहीं बचता है, 1 रुपया नहीं बचता है। हाँ नहीं रहता है तो भाई किसी से कर्जा लेना पड़ता है,
क्या करो हम लोग 50 साल आज पड़ोसी हैं कि 100-200 रुपये उससे ले लिए। अब वो एक दिन काम लगा उसको अगर 200 देने हैं तो उसको पकड़ा दिया भाई, बाकी मेरा काम थोड़े चलने में ऐसे ही हो जाता है एडजस्टमेंट। सिर्फ पैसा ना मिलना इनके लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पैसा का सही उपयोग ना करना भी इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो शाम के टाइम देखो दवाई के तौर पे एक क्वार्टर पी लिया अपना चलेगा, पर इससे ओनली कुछ नहीं है। अगर हम ज़्यादा पियेंगे, अब एक दिन मजदूरी हम ज़्यादा पी लेंगे तो हम अगले दिन का खर्चा कहाँ से लाएंगे, सब कुछ सोचना पड़ता था। गांजा चरस और क्या बोल रहा है इस्माइक फूल बिक रही है उनको नहीं, और जो बंद करनी है तो पहले बेचने वालों को बंद करवाओ ना, पीने वाले की क्या गलती है, पीने वाला तो बेचारा यहाँ नहीं मिलेगी और कहीं मिलेगी वहाँ से लाएगा है, पर ये लोग नहीं करते। इनके इन्हीं आदतों के वजह से ये अपने ही कमाए पैसों को गलत जगह खर्च कर देते हैं। अगर एक मजदूर महीने में 15 दिन काम कर भी ले तो भी इनको ये नहीं पता होता कि हर काम के बाद इनको पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं। ठेकेदारों का तो ऐसा कोई लेके भी जाता है, ये मेवा वाले का ठेकेदार थे कि लेके जाएंगे पैसा नहीं देते हैं, गाड़ी नहीं मिलती, शाम को मजदूर बैठा रहता है 8-9 बजे तक इंतजार करके बेचारा हारे थकते हुए चला आता है, क्या करें। बहुत से ठेकेदार ऐसे हैं और यहाँ से बोल के ले जाएंगे 500 वहाँ पकड़ाते हैं 300-400, अब बताइए क्या करें। लड़ेगा तभी जब कोई ठेकेदार मिलेगा, बेचारा क्या जाएगा वहाँ। अब जैसे आप मेरे को ले गए यहाँ से मोबे वाला, मैं आपके साथ चला गया वहाँ, चलो मेरी जेब में पैसा नहीं है पैदल आ गया, अब मैं दोबारा कैसे जाऊँगा, आप ही बताइए। मैं इस चक्कर में मजदूर पैसा छोड़ दे, बहुत पैसा मर गया हमारे, बहुत मजदूरों का पैसा मरा हुआ है। ठेकेदार लेके जाते हैं पैसा हाली नहीं देते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, कैसे खाओ कैसे का करो हम लोग। इंडिया में हर 4 सुसाइड करने वाले लोगों में से एक होता है मजदूर आदमी। अब सुसाइड तो देखो बहुत हो चुके हैं, अब कोई किसी कोई कहानी है, अब देखो घर घर की कहानी कोई नहीं बता सकता था। मजदूरी कर रहा आदमी 300 की, उसमें 100 रुपये का तो खाना खा जा रहा, तो क्या देगा घर में, कमरे किराया देगा आदमी कि बच्चे पालेगा, आप मुझे बताइए, या बच्चों की पढ़ाई कराएगा। वहीं 2021 में 1,64,033 सुसाइड रिपोर्ट हुई, जिनमें से 42,004 दिहाड़ी मजदूर थे। कर्जा है उनके ऊपर 11-12 लाख, तो बताया था इससे ज्यादा पता नहीं। ऐसा है कि 500 रुपए लेके जाते तो 5 रुपए नहीं बचता है, कोरोना के समय में किस तरह से जीवन हम बचाया है जो मैं खुद जानता हूँ। लेबर को बहुत परेशानी होते हैं, सुबह ले जाते 5-8 बजे काम कराने, 5 बजे शाम में छुट्टी होता है और 6 बजा देते हैं लेबर को। रोजगारी की दर 2019 में ही कोविड से पहले अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। 48 साल में वो बेरोजगारी दर पाई गई भारत में जो हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं थी। तो ये है आपका आजादी का अमृत महोत्सव। इनकी जिंदगी में कुछ भी फॉर श्योर नहीं होता, ना इनको काम मिलने की गारंटी होती है, ना इनको खाना मिलने की गारंटी होती है, और ना ही पैसा मिलने की। देहरादून के मजदूरों से बात करके हमें ये पता चला कि यहाँ की दिहाड़ी फिक्स नहीं है, एक मजदूर 500, 400, यहाँ तक कि 200 रुपए में भी काम करने में राजी हो जाता है, और जब एक मजदूर अपना काम ख़त्म कर लेता है तो कई बार उसको उसकी दिहाड़ी भी नहीं मिलती। इतने प्रॉब्लम सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं करते, यही सोच को लेके हम इनके पास गए और उनका कहना कुछ ऐसा था। ठेकेदारी पैसे मार लेते हैं, अभी मैं दिसंबर महीने मेरे 9,000 रुपये मारे गए, लेबर थी 15 हमारे पास, तो पुलिस के पास गए, वहाँ पर एप्लीकेशन लिखा में लिख के दी उनके लिए, तब उन्हें झूला का इल्ज़ाम लगाया कम 25 क्विंटल का झूला, अगर 25 क्विंटल झूला और 15 आदमी उठा सकते हैं और प्रेम नगर से और तुम्हारे निरंजयपुरा ला सकते हैं, कोई कारण नहीं बनता। और रात के 2-2 बजे तक रात में आते थे, उसने 500 रुपये मजदूरी हमारी दे थी, 500 रुपये मजदूरी भी नहीं थी, 15,000 रुपये उसने 5,000 पुलिस को दिए और निपटारा ख़त्म कर दिया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं मिला, वहाँ से हम लोग भजा दिया और उसको जो मुलजिम था उसको बरी कर दिया। ठीक है, इन मजदूरों से बात करके हमें ये भी पता लगा कि ना सिर्फ पुलिस लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसेज
जो इन मजदूरों के लिए बने हैं वो भी इन्हें बाहर निकाल देते हैं। कोई सुनवाई नहीं है कोई वहाँ सुनवाई नहीं है। वहाँ जाओ तो कहते हैं बाहर निकलो भागो, बाहर निकलो जाओ, भगा देते हैं वहाँ, भगा देते हैं, सुनवाई नहीं है कुछ, सुनवाई नहीं करते। यहाँ गया था मंडी के पास तो वहाँ भी भगा दिया, तुम जाओ बाहर निकलो। तो हम लोग क्या करें जाए भाई, इतनी परेशानी हम लोग उठाते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। आदमी जाता है ऑफिस कार्यालय जाता है, जहाँ फिर ये मजदूरी का कार्यालय पड़ता है मंडी के पीछे, वहाँ पर जाता है तो योजना जो भी चलती है वहाँ पर, तो सब बड़े आदमी मिलते हैं वहाँ पर, गरीब आदमी नहीं मिलती है। रिश्वत दो काम कराओ, बड़ा आदमी 500-700 रुपये देता है, 1000 रुपये उससे आप कराता है, गरीब आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल देते। इस बात की गहराई तक जाने के लिए हम भी इनके बताए गए ऑफिस में गए। अब जब हम वहाँ पर लेबरों से बात की, जहाँ पर लेबर खड़ी होती है, उन लोगों ने बोला हमने कहाँ कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम वहाँ पर जाते हैं कंप्लेन करते हैं, मंडी के पीछे ऑफिस है इनका, वहाँ पर हम कंप्लेन करते हैं, वहाँ से हमें धक्के मार के निकाल दिया जाता है। दरअसल हमने कहा चलो फिर हम देखते हैं कहाँ पर, हम पूछ के आए कि वो लेबर लोग कहाँ जाते हैं, तो हम इधर पर पहुँचे। दरअसल ये जो है श्रम विभाग है, ये लेबर कोर्ट है, इनका यहाँ पर काम होता नहीं है, ये गलत जगह वो लोग आते हैं और इसीलिए उनको धक्के मार के शायद निकाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं मतलब जो इनका मेन काम है सब लेबरों को जहाँ पर करना है, यहाँ पर अजबपुर साइड पे इनका कार्यालय है जहाँ लेबर का डील करता है, यहाँ पर तो क्या होता है बैटल सारा सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद जो केस बचता है जिसकी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई इस कोर्ट में आके सॉल्व होती है, और जो इसके नीचे की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें सुनवाई वहाँ पर होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो लेबर हैं वो गलत ऑफिस में जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में कि उनको सही जानकारी नहीं है कि उनको जाना किधर है। अब ये किसी और की है या फिर उनको खुद ये चीज़ करना चाहिए, सरकार को उनको अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ऐसे प्रोग्राम बनानी चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना है। उनको अपने हक का और अपनी चीज़ों का खुद बिल्कुल पता नहीं है, तो वो सोचो वो कितने टाइम से सारे लेबर यहीं आते हैं और यहाँ से उनको धक्के मार के निकाल दिया जाता है, और इनकी भी कोई गलती नहीं हुई, ये मैटर ये ऑफिस झेलता ही नहीं है। ये तो वही बात होगी ना, जैसे कि अगर समोसे की दुकान में आप बाल कटवाने जाओगे तो वो धक्के मार के निकालेगा, तो उनको पता ही नहीं है जाना किधर है उनको, अब पता नहीं उनकी गलती कितनी गलती है। लेबर कोर्ट में जाने के बाद हम श्रम विभाग गए, जहाँ इन लोगों को स्कीम्स बताए जाते हैं और इनके कोर्ट केसेस भी लड़े जाते हैं। श्रम विभाग, हाँ श्रम विभाग, श्रम अच्छा नहीं है यहाँ पे, आईएसबीटी चले हैं, अच्छा ठीक है। अंकल ये श्रम विभाग कहाँ पे है? हाँ जी, अच्छा फाटक से पहले गली है। फाइनली एक घंटे की मेहनत के बाद इतना जगह से पूछ पाछ के हम लोग आए, तब जाके हमें श्रम विभाग मिला। जैसे हमने देखा ना, बहुत लोगों को पता नहीं है श्रम विभाग है कहाँ पे, हमें भी नहीं पता था, और बहुत लोगों ने हमें गलत डायरेक्शन दे दिया, ऐसे हम लोग आगे पीछे बहुत बार किया हम लोगों ने। एक बंदा तो हमें यहाँ पर ही श्रम विभाग के पास ही थे, हमें 2 किलोमीटर आईएसबीटी, तो हमारे पास तो गाड़ी भी थी। अब जैसे मजदूर लोग हैं उनके पास तो गाड़ी भी नहीं है, तो उन्हें और प्रॉब्लम होता होगा, तो ये अलग डिफिकल्टी उन लोगों के लिए। हम लोग अभी श्रम विभाग आए थे एंड यहाँ पे हमने अंदर जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करी कि इनको क्या क्या, मजदूरों को क्या क्या सहायता मिलती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला ब्रोशर रखा है, तो एक ब्रोशर निकाले तो इसमें बताया कि उनको क्या क्या सहायता मिलती है, और ऐसे धूल पड़ गया, पता नहीं किसी के काम आता भी है या नहीं आता, ब्रोशर भी नहीं आता और पता नहीं योजना भी आती है कि नहीं, तो पहले देख लेते क्या क्या है। श्रम विभाग के अधिकारियों से बात करके हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए कुछ स्कीम्स बनाई हैं, जैसे कि 60 साल से ऊपर के मजदूर को 500 रुपये महीना प्राप्त होंगे पेंशन के रूप में। अगर किसी को मकान खरीदना है या बनाना है तो उसको 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए 200 से लेकर 2,000 रुपये तक की मदद अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस, और भी कई सारे फायदे जो आप अपने स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या मजदूर इन सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं? पर कुछ नहीं, कचहरी में गया था मैं तहसील में, वहाँ के भी चक्कर काट कर रह गया मैं, 2 बार मैंने सारे कागज भी ले जाकर कर दिए वहाँ पूरे, जब भी नहीं मेरा बन पाया। जी मैं गया उनके पास भी गया, तब से पहले मैं ही जुड़ा था लेबर यूनियन से, लेकिन मेरे को कोई सुविधा नहीं मिली, मेरे को कोई सामान नहीं मिला, लोगों को साइकिलें मिली, मशीनें मिली, बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। श्रम विभाग में एक मजदूर चाहे तो अपना केस भी लड़ सकता है, लेकिन
उनसे बात करके हमें पता चला कि साल भर हो गया अभी तक पैसा नहीं मिला है। ओम सिंह ठेकेदार है, मोहनी रोड नया गांव में काम किए हैं, पैसा भी नहीं दिया है। साल भर से लेबर कोर्ट में आए हैं, अभी काम नहीं हो रहा है। एक साल से ऊपर हो गया, 13,500 रुपया नहीं दे रहा है। 16 तारीख के आइए हम, काम छोड़ छोड़ के आते हैं। तेकर बाद 22 तारीख का आइए हैं काम छोड़ के, तेकर बाद 28 का आइए हैं काम छोड़ के। बेसिकली आपने जैसे देखा कि हर चीज़, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मतलब देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपके घर हो गया, हर छोटी से बड़ी चीज़ों में इनका एक योगदान है, इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। बट उसके हिसाब से इनको गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा उतना चीज़ें नहीं मिलती हैं जो इनको मिलनी चाहिए। वो उनका हक है, क्योंकि अगर समाज का वो तबका हटा दिया जाए तो आपको पता होगा कि क्या उसकी हालत होगी। क्योंकि फिर अगर हर कोई बंदा तो वो काम नहीं करता है ना, जो जिसका काम है वो लोग इस चीज़ को करते हैं, मेहनत करते हैं, ना धूप में पसीने में ना, मतलब वो करते हैं। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उनके लिए चीज़ें करनी चाहिए। और जो मतलब चीज़ें कर भी रही है गवर्नमेंट, उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि उनके राइट्स क्या है ना। उनको स्कीम मिल रही है तो कहाँ पर जाके वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों को पता ही नहीं ऑफिस कहाँ पर है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा। बेसिकली क्या है कि मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से भी क्या है कि उनका अप्रोच सही नहीं लगता, क्योंकि अब भी अगर शहर में कोई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पीएम आ रहा है तो शहर में हर जगह होर्डिंग लगे रहते हैं, मतलब पूरे शहर को पता होता है कि आज यहाँ पर कोई सीएम या आ रहा है। बट लोगों को, जिन लोगों ने उन सीएम को बना रखा है या फिर उसको वोट देके बना रखा है, उन लोगों को अपने जो प्रोग्राम है, अपना जो हक है, उनके बारे में नहीं पता है। ये किस तरीके का अप्रोच है किसी को पता नहीं है, ये छुपे में छोटे से कहीं से आर्टिकल निकाल दे रहे हैं कि हाँ इनकी फैसिलिटी दी है, सो देट कोई बोले, आगे बोले तो क्या हमने तो निकाला है इनको फायदा इंडिया। और ये लोग गलत जगह पे जा रहे हैं, मतलब इनको पता ही नहीं इनको जाना कहाँ है, कहाँ पर हक का इनको करना। और गवर्नमेंट जो चीज़ें इनको प्रोवाइड करा रही है वो भी क्या कहते हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर रखा है उन्हें, किधर पे है, लागू भी होती है नहीं होती है, तो वो किस कोने में कहाँ पर लगाते हैं, छुपे हुए निकालती हैं, इनको कुछ नहीं पता है। तो जिस हिसाब से तुम अपने किसी मिनिस्टर का प्रमोशन करते हो, उस हिसाब से इसका भी कर दो, अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करो, जहाँ लेबरों को बुलाओ, बताया जाए ये करो। और इनकी वाकई में आदत, तुम जैसे आपने देखा कि वो शराब पी रहे हैं, शराब रात में, क्योंकि क्या कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को कर दें ये ब्लेम, ये सही नहीं होगा। हम कहते हैं कि वो पर्सन सिंगल अपना पर्सन है, वो भी यहाँ पर जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे खाने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि कभी तुम्हें काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, तो मतलब खाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो लोग उधार में पैसा लेके शराब पी रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि हालांकि तुम्हारे पास हो रहा है तो पैसे की कमी हो रही, बुरा हो रहा है, ठेकेदार तुम्हारा पैसा खा जाता है, मगर एटलीस्ट जितना तुम्हारे पास है उसको तो सही यूटिलाइज करो, तो जो पैसा है क्या पता है, अगर सामने वाला जैसे भी कर सकता है, इनको बहुत ज़्यादा पैसे भी दे दे तो वही उस पैसे का भी वही करे, क्योंकि पैसे को बर्बाद करने वाला इंसान चाहे उसको जितना हो या इतना, वो कर ही देगा बर्बाद। तो कहीं ना कहीं इनको अपने में आप में भी चीज़ें सुधार करनी पड़ेंगी, और गवर्नमेंट को भी अपने प्लान को इन चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, तभी ये तबका बढ़ पाएगा। वरना अदरवाइज बाहर कंट्री में भी लेबर वगैरह वर्क करते हैं बट उनकी ये हालत नहीं होती है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीज़ है जो मतलब अगर सुधर जाए ना तो मतलब बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। बाकी अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर दें। ओके, तो जाने से पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग ऐसी अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। तो ऐसी कोई और टॉपिक आपके माइंड में हो तो नीचे कॉमेंट ज़रूर करना।